जी न्यूज को नीट के 24 लाख छात्रों के भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता है और इसीलिए हम जी न्यूज पर लगातार नीट के फर्जीवाड़े से जुड़ी हर खबर आपके लिए लाते रहते हैं। जी न्यूज ने दिखाया करप्ट सिस्टम, जी न्यूज ने दिखाया ऑपरेशन ब्लैक डायरी। ये जो केस डायरी तैयार की उसमें साफ है और वो हमारे पास है इस वक्त, और उसमें ये बताया गया कि कैसे नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जी न्यूज पर नीट आंदोलन, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश की आवाज। नीट पर इंसाफ तक जारी है जी की जंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज पर, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्पेशल मुहिम के साथ जो आपका चैनल जी न्यूज लगातार दिखा रहा है, और ये मामला देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, नीट परीक्षा के घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सिस्टम लगातार इसे नकारता रहा, लेकिन आपका चैनल जी न्यूज सच दिखाता रहा और वो सच सिस्टम को भी मानना पड़ा है। नीट घोटाले के गुनहगार हर दिन बेनकाब हो रहे हैं और जी न्यूज की मुहिम ने उन चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल हमने आपको बिहार ईओयू की वो रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें इस पूरे खेल के किरदार एक एक करके सामने आए थे, वहीं इस मामले में अब बेहद निचले स्तर की सियासत भी शुरू हो गई। इधर आपका चैनल जी न्यूज लगातार मुहिम छेड़े हुए है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश की आवाज को सिस्टम तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के पाप का पूरा हिसाब हो सके। आप भी जुड़िए जी न्यूज की इस मुहिम के साथ और अपनी बात रखिए, साथ ही देश भर से हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ रहे हैं क्योंकि जारी है नीट का ये आंदोलन और जी की मुहिम। तो जल्दी से मैं आपको परिचय करवा देता हूं, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इस पर देश भर की आवाज हम सामने रखेंगे। खालिद हुसैन श्रीनगर से हैं, साथ ही रजत वोरा जम्मू से जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। सबसे पहले मैं रजत का रुख करता हूं। रजत, अगर देश के उत्तर की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए, तो वहां भी छात्र परेशान नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उनका भी प्रदर्शन हुआ है। आपके साथ जो छात्र मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पटना में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रणय, सभी जो छात्र हैं वो चिंतित हैं और इंतजार जो था उनको था कि जब एग्जाम हुआ है उसके बाद अब रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे और अपने जम्मू कश्मीर की देश की सेवा करेंगे, पर अब निराशा जो है वो इनके हाथ लगे। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम अर्पिता है। अर्पिता, क्या कहना चाहेंगे, लगातार नीट को लेकर जी न्यूज ने मुहिम छेड़ी है और लगातार स्कैम सामने आ रहे हैं, कितनी निराशा आप में है? हम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। एट प्रेजेंट हम पड़ोजी से तैयारी कर रहे हैं नीट की, और एज एन एस्पायरेंट काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो चुके हैं, जो स्कैम हुआ है, रिजल्ट वगैरह जैसा रहा है, इस वजह से बहुत डिमोटिवेशन आई है। प्लस ये चीज़ें गलत हैं, इन चीजों को लेके काफी ज्यादा जांच पड़ताल होनी चाहिए, परेशानी है, इनकी आशंकाएं हैं, फ्यूचर एग्जाम कंडक्ट किया जाए, इस चीज की स्ट्रिक्टनेस हो जानी चाहिए। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आपने सुना कि एक ऐसा सिस्टम इन लोगों को चाहिए, इन छात्रों को चाहिए, ताकि जब भी ये एग्जाम देने जाएं तो उस पर विश्वास कर सके और इनके फ्यूचर आपके पास। लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में देवघर से एक गिरफ्तारी हुई है। सिंधु कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। पटना हो या रांची, इस पूरे मामले के अंदर लगातार कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। और इस समय की ताजा खबर आपको बता दें, देवघर से एक गिरफ्तारी हुई है। और वो करते हैं, मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जरा जल्दी से बताइए कि आपके साथ जो छात्र मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां लगातार होती चली जा रही हैं इस मामले में। जरूर प्रणय, मैं इनसे ही बात करता हूं मैं पहले कि आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप लोग। आप लोगों ने तो नीट की परीक्षा भी दे दी आप लोगों ने, और जिस तरीके के तमाम खुलासे आ रहे हैं सामने में, निराशा आप लोगों को होती है और क्या चाहते हैं क्या आप? निराशा तो बहुत है ऐसे देख के, जैसे कि आपने भी देखा मेरे 670 आए हैं लेकिन रैंक काफ़ी हाई गई है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मली 670 पे 3000-4000 के साथ यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनमें एक जनमत सर्वेक्षण करवाइए, कितने छात्र चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, कितने छात्रों का कहना है कि जहां गड़बड़ी हुई है वहीं परीक्षा होनी चाहिए। मैं ठीक है वो बच्चे हाथ उठा के पहले मैं इन छात्रों से पहले
जरूर छात्रों से पहले पूछूंगा, क्योंकि हम लोग जानना चाहेंगे कि कितने छात्र चाहते होंगे कि दोबारा से परीक्षा हो। हाथ उठा करके आप लोग बता दें कि दोबारा से परीक्षा हो, कितने छात्र चाहेंगे। प्रणय, देखा जाए तो तमाम जितने छात्र हैं वो चाहते हैं कि दोबारा से ही परीक्षा हो यहाँ पर। बिल्कुल, आपके पास में, लेकिन इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के पीए के खिलाफ इस समय यहाँ पर